प्यारे बच्चों बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बच्चों आज हम अमा इकबाल की हालात ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे मोहम्मद इकबाल नाम और इकबाल तखलुस था इकबाल 1877 सौ सतहत्तर ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए उनके वालिद का नाम शेख नूर मुहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था इकबाल ने इब्तदाई तालीम मकतब में पाई बच्चों मकतब का मतलब है छोटे बच्चों के पढ़ने की जगह और बाद में उन्हें स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल करा दिया गया जहां उन्होंने सईद मीर हसन से अरबी और फारसी पढ़ी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की के इम्तहान भी यहीं से पास किए मैट्रिक टेंथ को कहते हैं और इंटरमीडिएट ट्वेल्थ को कहते हैं अठारह सौ ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए और अठारह सौ ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से फ़लसफ़ा में एमए किया और फिर इसी कॉलेज में फ़लसफ़ी के प्रोफ़ेसर मुकर हुए उसके बाद 1905 सौ पाँच ईस्वी में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चले गए वहाँ उन्नीस सौ सात ईस्वी में जर्मनी से पी एच डी और उन्नीस सौ आठ ईस्वी में लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्रियाँ भी हासिल किं वापस आकर लाहौर में वकालत शुरू की इकबाल का शुमार दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और मुफकिरों में होता है बच्चों मुफकिरों का मतलब है गौर फिक्र करने वाले और आलिमों का मतलब है इल्म जानने वाले हुकूमत की तरफ से सर का खिताब मिला शायरी में उनके उस्ताद दाग दहलवी थे लेकिन उन्होंने गालिब की भी पैरवी की उम्र के आखिरी बरसों में बहुत सारी बीमारियों के सबब इकसठ साल की उम्र में 1938 सौ ईस्वी को लाहौर में ही इंतकाल हुआ तो बच्चों आज हमने इकबाल की हालत ज़िंदगी के बारे में पढ़ा बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें